समाज और देश की बर्बादी चोर उचक्कों से उतनी नहीं है जितने की अच्छे पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति के चुप हो जाने की वजह से। तो आपसे भी विश्वास टूट गया है मोदी जी। सोशल मीडिया के भाइयों को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं, इसलिए कि आप लोग लगातार जिस तरह से किसानों की आवाज को देश की कोने कोने तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, आप लोग बधाई के पात्र। दूसरी बात कि इधर से एक सवाल आया कि आप लोग मोदी जी से क्यों सवाल पूछते हैं। एक पिक लेने के लिए तोता के साथ फोटो खिंचवाने के लिए 6-6 बार ड्रेस चेंज करेगा तो आखिर उनसे सवाल पूछा नहीं जाएगा तो क्या किया जाएगा? जो जनता जनता की और मजदूर की कमाई हुए टैक्स से वो फुटानी उड़ा रहे हैं ताकि उनसे सवाल नहीं किया जाएगा तो क्या किया जाएगा? जनता ने टैक्स इसलिए दिया था ताकि जनता के लिए सहूलत पैदा करे, वो रोड बनवाए, और आज देखिए कि वो रोड पे काटे बिछा रहे हैं जनता के लिए ताकि उनसे सवाल नहीं किया जाएगा तो किनसे किया जाएगा सवाल? जब वो कहते हैं कि हम तो गरीब है साहब झोला लेके निकल पड़ेंगे, तो वो कौन सी गरीबी है जिसमें आप 1 लाख का सूट बूट पहनेंगे? लेकिन जब प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो वो काला चश्मा, एक मतलब की चील को देखने के लिए काला चश्मा, 1-1 लाख का काला चश्मा यूज करते हैं, और वो 1-1 लाख का आप सूट बूट यूज करते हैं, तो आखिर आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा तो क्या किया जाएगा? आपसे नहीं, तनख्वाह से पहनते हैं लेकिन वो प्रधानमंत्री है और देश के राजा बने हुए हैं, तो क्या राजा को अपनी प्रजा की चिंता नहीं होनी चाहिए? आज इस देश में जनता भूख के मारे मर रही है, आज किसान अन्नदाता लगातार 2-2.5 महीनों से कड़ाके हुए के ठंडी में संघर्ष कर रहे हैं, और 170 से प्लस ज्यादा किसान शहीद हो गए, लेकिन इनके लिए वो दो शब्द क्यों नहीं बोलते हैं? वो राजा नहीं है, वो राजा नहीं, वो खुद तो प्रधान सेवक बोलते हैं। नहीं नहीं, वो राजा नहीं, मैं तो उनको रावण बोलता हूँ। आज वो कलयुग का रावण है, रावण इस बात को समझ लीजिए। और देखिए, ये दमनकारी सरकार है, मैं दमनकारी सरकार इसलिए कह रहा हूँ कि बिहार में भाजपा और गठबंधन की सरकार है। फरमान जारी किया पुलिस ने, अगर कोई आंदोलन करता है तो उसको सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। अरे भाई साहब, ये लोकतंत्र की राजतंत्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पे सरकार ये फरमान जारी करती है कि अगर कोई एंटी नेशनल पोस्ट करता है, कि एंटी नेशनल का परिभाषा क्या होता है उनके शब्दों में, तो एंटी नेशनल का यही परिभाषा है, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहा है तो एंटी नेशनल हो गया। अरे साहब, आपकी ये नीति नहीं चलेगी। अब ये जनता जाग चुकी है आपके गलत नीतियों पे आवाज उठाने के लिए। आप भी अपना रहे ना, एक तरफ तो ट्रैक्टर परेड निकालते हैं, एक तरफ आप चक्का जाम करते हैं, एक तरफ कहते हैं कि हमारा जो आंदोलन अहिंसात्मक है। बिल्कुल अहिंसात्मक तरीके से ये आंदोलन चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह महात्मा गांधी ने अहिंसात्मक तरीके से किसानों के अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, उसी रास्ते पे चलकर ये किसान अन्नदाता अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन इसमें हिंसा भड़काने की कोशिश किसके द्वारा की जा रही है? सरकार के द्वारा की जा रही है। जैसा कि आप रिपब्लिक डे को देखा होगा कि दिल्ली में हिंसा फैलाने की कोशिश की गई और हिंसा की गई, उसके बाद गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंघी बॉर्डर हो, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक अपने गुंडों के साथ जाते हैं, दंगा फैलाते हैं। तो दंगा तो ये भारतीय जनता पार्टी फैला रही है, ये किसान कहां फैला रहे हैं? और किसानों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है इस तरह से, और देखिए आंदोलन के ऊपर ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। आर साहब, इससे पहले भी आंदोलन हुए हैं, जेपी आंदोलन हुए हैं, अन्ना आंदोलन हुए हैं, और महात्मा गांधी जी भी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किए, लेकिन कभी भी इस तरह का सिचुएशन पैदा नहीं हुआ कि सरकार उसके लिए रोड जाम कर दे, सरकार उसके लिए कांटे रास्ते में बिछा दे। ये सरकार, ये दमनकारी सरकार है। कहीं के आप तो यहाँ बैठे हैं, सरकार अपने वहाँ बैठी है, तुम अपना काम करते रहे, वो अपना काम करते हैं, ना उन पर असर हो रहा है ना आपका असर हो रहा है, ऐसा तो नहीं। अरे साहब, शायद पत्रकार महोदय आपको पता नहीं कि सरकार पे असर नहीं हो रहा। अगर सरकार पे असर नहीं होता ना, तो सरकार आज इस तरह से खलबलाती नहीं। आज एक ट्वीट कर देने से पूरे सरकारी जो मंत्री है खलबली मच जाती है। एक मैं तो उसको शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, रेहाना को और ग्रेटा जो थंबर्ग है उसको, और मिया खलीफा और जॉन बाइडेन जिसने समर्थन कर, अरे समर्थन नहीं कि आपने सही से नहीं नहीं आपने समर्थन आपने सही से नहीं इसको पढ़ा होगा, समर्थन नहीं दिया है, उस पॉइंट ऑफ व्यू दिया लेकिन समर्थन नहीं दिया कि समाज और देश की बर्बादी चोर उचक्कों से उतनी नहीं है जितने की अच्छे पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति के चुप हो जाने की वजह से। जब ये लोग 170 किसान हमारे शहीद हो गए तब ये लोग चुप थे। सचिन तेंदुलकर क्यों नहीं दो शब्द बोलते हैं? क्या वो खबर नहीं देखते हैं? क्या वो पत्रकार खबर अखबार नहीं पढ़ते हैं? जब इस देश में किसान को अत्याचार होता है तो वो लोग चुप रहते हैं, आखिर क्यों चुप रहते हैं? वो उनको तो कहा जाता है वो क्रिकेट का भगवान है, वो कैसे भगवान है? खाक भगवान है जिसको अपनी पर्दा की चिंता नहीं है। भगवान उसको किसने बनाया? यही किसान और मजदूर उसको भगवान बनाया था। और जब किसान मजदूर के ऊपर अत्याचार हो रहा था वो दो शब्द तक नहीं बोलते हैं, एक ट्वीट आ जाता है उसके ऊपर रिएक्शन देने लगते हैं, और ये बोलते हैं कि ये हमारा आंतरिक मामला है। अरे साहब, जब मोदी जी जाकर अमेरिका में ट्रंप के लिए वोट मांगते हैं और कहते हैं अब की बार ट्रंप सरकार, तो क्या वहाँ के लिए इंटरनल नहीं होता है? क्या वो आंतरिक मामला नहीं है क्या? जब ट्रंप यहाँ आकर मोदी के लिए चुनाव का प्रचार करता है, नमस्ते ट्रंप जैसा प्रोग्राम करता है, तो क्या वो इंटरनल मामला नहीं था? वहाँ पे इंटरनल मामला नहीं था? जब अत्याचार होता है देशों किसानों पे, मजदूरों पे,
पर जब अत्याचार होता है तो विदेशी 18 साल की मात्र एक बहन ग्रेटर जब वो आवाज उठाती है तो ये लोग कहते हैं कि वो लोग आंतरिक मामला में हस्तक्षेप कर रहे हैं। अगर वोट मांगने के लिए अब की बार ट्रंप सरकार झूठ बोला 29 बार जाकर वहां पर जाकर खाली झूठ बोले थे तो उनका झूठ का पुलिंदा खुल चुका है। क्या बोलते हैं कि भाइयों बहनों अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो मैं वादा करता हूँ पहले ही कलम से पहला ही काम किसानों का कर्ज माफ होगा। जब उसकी सरकार बनती है तब किसानों का कर्ज माफ हुआ? 2 लाख लोगों को रोजगार मिला? मिला नहीं ना मिला। महिलाएं सुरक्षित है? छात्रों को सही शिक्षा मिल रही है? क्या हेल्थ सेक्टर व्यवस्था सही हुआ? एजुकेशन सेक्टर सही हुआ? अरे मोदी जी इसीलिए तो विश्वास टूट गया। 2013 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हुआ करते थे तो वो बोलते थे पेट्रोल हो गैस हो डीजल हो सबकी भाव बढ़ रही है। बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है? देखिए ये 3 महीना में करते हैं अब ठीक हो जाएगा। इसी तरह करते करते 5 साल निकाल दिए ना, इसीलिए तो विश्वास टूट गया है। भारत मोदी जी आप भी बोले थे से प्रत्येक साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। आप भी बोले थे से यहाँ पे स्टैंडअप इंडिया मेक इंडिया मेड बाई इंडिया। कहाँ गया मेक इंडिया? कहाँ गया मेड इंडिया? कहाँ गया 2 लाख रोजगार? महिलाओं को सुरक्षा क्यों नहीं मिल रही है? आज किसान रोड पे क्यों पड़े हुए हैं? आज गरीब क्यों लाचार है? आज गरीब क्यों भूखे मारे मर रहे हैं? इसीलिए तो आपसे भी विश्वास टूट गया है मोदी जी।